डॉरी, डॉरी की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। ब्रिटिश पीरियड से जो है डॉरी सिस्टम चला हुआ है और इंडिया में तो बहुत ही लंबे समय से यह फॉलो किया जा रहा है डॉरी सिस्टम। और डॉरी सिस्टम जो है एक बहुत ही प्योर ट्रेडिशन बना था, अपनी जो बेटी है या अपनी उसको एक मतलब कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो है यह ट्रेडिशन जो है बना था। बट आज जो है डॉरी का जो है मिसयूज़ हो रहा है, एक वायलेंस बन के रह गया है डॉरी। और जहाँ पर जो है हम देखते हैं डेली की न्यूज़ आती है कि कैसे जो है कितनी बहन बेटियाँ मर रही हैं डॉरी के लिए, कैसे ससुराल पक्ष वाले प्रताड़ित करते हैं और भी कई चीज़ें हैं। और जो गरीब माँ बाप हैं वो जो है चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को जो है वूम में ही उसको मार देते हैं। इन्फेंटिसाइड के केसेस आप देखिए बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं डेली बेसिस पर। और वही जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने स्टार्ट किया है, उनके यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं बिना दहेज के, बिना किसी एक भी पैसे के लेन देन के जो है दहेज मुक्त विवाह जो है संपन्न करते हैं। और उसका लाइव एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, ये नवविवाहित जोड़े बैठे हैं, देखिए कितने सिंपल तरीके से नॉर्मल से कपड़े इन्होंने पहने हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा मेकअप, ना ही कोई एक्स्ट्रा कुछ इन्होंने कैरी किया है, कोई ऐसा दिखावा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं है, कोई गोल्ड, कोई ऐसी कोई ज्वेलरी इन्होंने नहीं पुटअप करी हुई। आप देखिए कितने सिंपल तरीके से ये लोग जो है अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। और देखिए जो है यह दहेज मुक्त विवाह, जिसे यह लोग अपनी भाषा में रमीनी कहते हैं, कितने शांतिपूर्वक ढंग से अपने गुरुदेव की मात्र 17 मिनट की आरती के बाद जो है यह संपन्न हुआ है। देखिए नवविवाहित जोड़ा जो है एक नए पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। देखिए डॉरी जो है एक सिर्फ स्टैंड अलोन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डॉरी के लिए हम सबको कलेक्टिवली जो है मिल के होल हार्टेडली कोऑपरेशन के साथ हमें जो है टैकल करना पड़ेगा, तभी जाके जैसे अब संत जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, ऐसे ही हमें भी जो है सबको फॉरवर्ड आना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमको इस चीज़ को इरेडिकेट करना होगा, तभी जाके ऐसी चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी से, हमारे नेशन से जो है एलिमिनेट हो सकती है। देखिए आप इससे बातचीत करेंगे, आइए। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? सरिता। मैम कहाँ से आए हैं आप? अम्बाला से। मैम आप अम्बाला से आए? मैम आज आपकी शादी हो रही है और आप लोग ऐसे मतलब इतने सिंपल तरीके से बिना किसी डीजे के या बिना किसी ऐसे रीति रिवाजों के ये शादी कर रहे हो, तो मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज की दया से जो वो हमें ज्ञान देते हैं उसके तरीके से हम रेडी कर रहे हैं। तो ओके मैम। हेलो सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा शुभम दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यमुनानगर से आया। सर आज आप लोग जो है यहाँ पर बिना किसी दिखावे की शादी कर रहे हो, आपकी वाइफ जो है आजकल आपने देखा होगा कि मैरिड कपल्स जो होते हैं ऐसे प्रॉपर ड्रेस कोड भी रखते हैं या फिर बहुत बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनते हैं या फिर बहुत ही अपना मतलब प्रॉपर एक उनका एक सपना होता है कि हमारी शादी इस तरीके की होगी, हम ये वाला अटायर पहनेंगे या ये सब चीज़ें करेंगे। तो सर आज आप इतने सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो, तो सर कैसा लग रहा है आपको क्या, और ये सब इंस्पिरेशन आपको आपके गुरु जी से मिले तो बताएँ थोड़ा सा। ये इंस्पिरेशन हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली और उनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं कि लोग दिखावा हमें करना नहीं है, लोग दिखावा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम लोग दिखावा कर लेंगे तो इससे हम यहीं पे रह जाएंगे, अपने जहाँ पे हमने जाना है अब तक लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे। लेकिन उससे हमें एक प्रथा ये भी है कि दहेज प्रथा होगी या कोई और भी जो शादी के बाद होती हैं उनको त्रुटियाँ होती हैं उनको हम छुटकारा पा सकते हैं, ये संत रामपाल जी ने हमें बताया हुआ है, उसके मार्ग पर हम चल के ये शादी कर लेंगे सिंपल।